डर। ये छोटा सा दो अक्षर का शब्द छोटा जरूर है, लेकिन ये हमें अंदर से हिला कर रख देता है। इस दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर जरूर होता है। कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जिससे इंसान डरता है, या शायद ऐसा कोई काम जिससे करने में इंसान डरता है। ये डर किसी को खोने का भी हो सकता है, बेइज्जती होने का डर, आने वाले कल का डर, या फिर ऐसे कामों के परिणामों का डर जो हम पहले कर चुके हैं। हमारी सारी जिंदगी इन डरों से लड़ने में गुजर जाती है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। और डरना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव भी है, लेकिन ये डर हमें कमजोर बनाता है, आगे बढ़ने से रोकता है, हमको सीमित रखता है। हमको ये बात पता होती है कि डर और सच्चाई में एक बहुत बड़ा फर्क है। कल वह नहीं होगा जिसका आपको डर है, लेकिन फिर भी कल की फिक्र करते हुए आप अपना आज खराब करते हो। डर और सच्चाई, इन दोनों में बहुत बड़ा फासला होता है। डर सच्चाई नहीं होती, यह केवल हमारी कल्पना होती है। हमारे भूतकाल में हुई घटनाओं की वजह से हमारे मन में दर्द, पछतावा, खतरा और नुकसान, दुख का डर हमेशा बना रहता है। कभी कभी हम अपनी बात खुलकर दूसरों से कहने में डरते हैं, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और ये भी एक बहुत बड़ा डर है। और इस डर की वजह से हम अपनी भावनाओं, अपने सपनों का गला घोट देते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाते। हमें बात भूल जाती है, जो ये आपकी बात का बुरा मानेंगे, मजाक बनाएंगे, उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन जिनको आपके जीवन में वाकई में महत्व है, वो आप ना किसी बात का बुरा मानेंगे, ना उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए आप जो हो वही रहो, जो महसूस करते हो वो कह दो, अपनी बात कहना सीखो, खुलकर जीने दो अपने आप को, क्योंकि खुद को दबा कर डरा कर रखना खुद को बहुत ज्यादा डर देता है। ये डर आपके वर्तमान को खत्म कर देता है। आप सोचते रहते हो, डरते रहते हो, परेशान होते रहते हो, वर्तमान का समय व्यर्थ करते रहते हो, और जानते हो ना, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। इस तरह डर आपकी वर्तमान के साथ साथ आपका भविष्य भी खराब कर देता है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे डरने से कल जो होने वाला है, क्या वह टल जाएगा? क्या भविष्य बदल जाएगा? क्या तुम्हारी परेशानियां डरने से दूर हो जाएंगी? अगर ऐसा है तो शौक से डरो, कम से कम डरने से किसी समस्या का समाधान तो मिल रहा है। लेकिन अगर डरने से कुछ होता ही नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है, तो इस डर का क्या मतलब है? यह डर बेफजूल है। हम सब अपने डर पर जीत पाना चाहते हैं, लेकिन कभी उसका सामना नहीं करते। सामना करो अपने डर का, तुम पाओगे कि यह बेफजूल का डर है जिसका कोई मायने नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये बस सबके बात की खुरापात है। जानते हो डर पे जीत पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसका सामना करना। क्योंकि जब तुम डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हो, डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर से डर चला जाता है। द बेस्ट वे टू ओवरकम फियर इज टू फेस इट। जिस दिन तुम जान जाओगे कि डर तुम्हारी कल्पना मात्र है, उस दिन तुम्हारी डर की भावनाओं को इमेजिन करना बंद कर दोगे और सच्चाई पर विश्वास करना सीख जाओगे। कहते हैं डर की आगे जीत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिंदगी का खूबसूरत पहलू डर के उस पार है। तो जिंदगी के दूसरे खूबसूरत पहलू में कदम रखिए, डर के ऊपर अपने विश्वास को रखिए, और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सुनते रहिए हमारी ये बातें। वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।